एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी दिवाली के 5 दिनों का महत्व। दीपावली महोत्सव धनतेरस से शुरू होकर भाई दूज तक चलता है। इन 5 दिनों के त्यौहार में पहले दिन आयुर्वेद और औषधियों के देवता धन्वंतरी की पूजा की जाती है। दूसरे दिन यानी चतुर्दशी तिथि पर धर्मराज यम की पूजा की जाती है और दीपदान किया जाता है। इसके अगले दिन यानी कार्तिक माह की अमावस्या पर लक्ष्मी जी की पूजा के साथ दीपावली मनाई जाती है। दीपावली 5 दिनों का पर्व है, जानिए इस उत्सव का महत्व क्या है। दीपावली स्वच्छता अभियान का त्यौहार है। इन दिनों में घर की पुताई करवाई जाती है, उपटन से स्नान कर नए नए कपड़े पहने जाते हैं और सभी ओर साफ सफाई का विशेषकर ध्यान रखा जाता है। इस दौरान दीप जलाना, रंगोली बनाना, माता लक्ष्मी की पूजा करना, मिठाई बांटना, अच्छे अच्छे पकवान बनाना और नई नई वस्तुएं खरीदने का भी बहुत महत्व है। हिंदुओं के प्रमुख त्यौहार दीपावली का उत्सव 5 दिनों तक चलता है। दक्षिण भारत और उत्तर भारत में इस त्यौहार को अलग अलग दिन और अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। दक्षिण भारत में दीपावली के एक दिन पहले यानी नरक चतुर्दशी का विशेष महत्व माना जाता है, जबकि उत्तर भारत में यह त्यौहार 5 दिन का होता है, जो धनतेरस से शुरू होकर नरक चतुर्दशी मुख्य पर्व दीपावली गोवर्धन पूजा से होते हुए भाई दूज पर समाप्त होता है। आओ इन 5 दिनों के बारे में संक्षिप्त में जानेंगे। पहला दिन, पहले दिन को धनतेरस कहते हैं। दीपावली महोत्सव की शुरुआत धनतेरस से ही होती है, इसे धन त्रयोदशी भी कहते हैं। धनतेरस के दिन मृत्यु के देवता यमराज, धन के देवता कुबेर और आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी की पूजा का महत्व माना जाता है। इसी दिन समुद्र मंथन में भगवान धन्वंतरी अमृत कलश के साथ प्रकट हुए थे और उनके साथ आभूषण व बहुमूल्य रत्न भी समुद्र मंथन से प्राप्त हुए थे, तभी से इस दिन का नाम धनतेरस पड़ा और इस दिन बर्तन, धातु व आभूषण खरीदने की भी परंपरा शुरू हुई। दूसरा दिन, दूसरे दिन को नरक चतुर्दशी रूप चौदस और काली चौदस कहते हैं। इसी दिन नरकासुर का वध कर भगवान श्री कृष्ण ने 16,100 कन्याओं को नरकासुर के बंदीगृह से मुक्त कर उन्हें सम्मान प्रदान किया था। इसी उपलक्ष्य में दीयों की बारात सजाई जाती है। इस दिन को लेकर मान्यता है कि इस दिन सूर्योदय से पूर्व उपटन एवं स्नान करने से समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। वहीं इस दिन से एक और मान्यता जुड़ी हुई है, जिसके अनुसार इस दिन उपटन करने से रूप व सौंदर्य में वृद्धि होती है। तीसरा दिन, तीसरे दिन को दीपावली कहते हैं। यही मुख्य पर्व होता है। दीपावली का पर्व विशेष रूप से मां लक्ष्मी के पूजन का पर्व होता है। कार्तिक माह की अमावस्या से ही समुद्र मंथन से मां लक्ष्मी प्रकट हुई थी, जिन्हें धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुख समृद्धि की देवी माना जाता है। अतः इस दिन मां लक्ष्मी के स्वागत के लिए दीप जलाए जाते हैं, ताकि अमावस्या की रात के अंधकार में दीपों से वातावरण रोशन हो जाए। दूसरी मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान रामचंद्र जी माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों का वनवास समाप्त कर घर लौटे थे। श्री राम के स्वागत हेतु अयोध्या वासियों ने घर घर दीप जलाए थे, तभी से दीपावली के दिन दीप जलाने की परंपरा है। 5 दिवसीय इस पर्व का प्रमुख दिन लक्ष्मी पूजन अथवा दीपावली होता है और नगर भर को आभायुक्त कर दिया था, तभी से दीपावली के दिन दीप जलाने की परंपरा शुरू हुई। इस दिन रात्रि को धन की देवी लक्ष्मी माता का पूजन विधि पूर्वक करना चाहिए एवं घर के प्रत्येक स्थान को स्वच्छ करके वहां दीपक लगाना चाहिए, जिससे घर में लक्ष्मी का वास एवं दरिद्रता का पूरी तरीके से नाश हो जाता है एवं दीप मालिका का पूजन करके उन दीपों को घर में प्रत्येक स्थान पर रखें एवं 4 बातियों वाला दीपक रात भर जलता रहे, ऐसा प्रयास करें। चौथा दिन, चौथे दिन अन्नकूट या गोवर्धन पूजा होती है। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा एवं अन्नकूट उत्सव मनाना जाता है, इसे पड़वा या प्रतिपदा भी कहते हैं। खासकर इस दिन घर के पालतू बैल, गाय, बकरी आदि को अच्छे से स्नान कराकर उन्हें सजाया जाता है। फिर इस दिन घर के आंगन में गोबर से गोवर्धन बनाए जाते हैं और उनका पूजन कर पकवानों का भोग अर्पित किया जाता है।
इस दिन को लेकर मान्यता है कि त्रेता युग में जब इंद्रदेव ने गोकुलवासियों से नाराज होकर मूसलाधार बारिश शुरू कर दी थी, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर गांव वासियों को गोवर्धन की छांव में सुरक्षित किया था। तभी से इस दिन गोवर्धन पूजा की परंपरा भी चली आ रही है। पांचवा दिन, इस दिन को भाई दूज और यम द्वितीया कहते हैं। भाई दूज 5 दिवसीय दीपावली महापर्व का अंतिम दिन होता है। भाई दूज का पर्व भाई बहन के रिश्ते को प्रगाढ़ बनाने और भाई की लंबी उम्र के लिए मनाया जाता है। रक्षाबंधन के दिन भाई अपनी बहन को अपने घर बुलाता है, जबकि भाई दूज पर बहन अपने भाई को अपने घर बुलाकर उसे तिलक कर भोजन कराती हैं और उसकी लंबी उम्र की कामना भी करती हैं। इस दिन को लेकर मान्यता है कि यमराज अपनी बहन यमुना जी से मिलने के लिए उनके घर आए थे और यमुना जी ने उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन कराया एवं यह वचन लिया कि इस दिन हर साल वे अपनी बहन के घर भोजन के लिए पधारेंगे। साथ ही जो बहन इस दिन अपने भाई को आमंत्रित कर तिलक करके भोजन कराएगी, उसके भाई की उम्र लंबी होगी। तभी से भाई दूज की यह परंपरा बन गई। तो यह थे दिवाली के 5 दिनों के महत्व। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब टू माय चैनल इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। मिलते हैं और इसी तरीके के वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।